हैप्पी दिवाली दोस्तों, मोनिका इंदा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मखाने की कतली। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मखाने की कतली की रेसिपी बहुत ही सिंपल है। आइए तो मखाना कतली बनाना शुरू करते हैं। मखाना कतली बनाने के लिए मैंने 2 कप मखाने ले लिए हैं, आधा कप काजू लिए हैं, 2 चम्मच मैंने मेलन के बीज लिए हैं और 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। मखाना कतली बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन के अंदर 1 चम्मच घी और ये जो मैंने 2 कप मखाने लिए हैं इनको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इनको रोस्ट करेंगे। मखाने रोस्ट हो गए हैं, अब हम इनको एक बाउल में निकाल देंगे और 2 मिनट के लिए इनको ठंडा होने देंगे। अब हम सेम पैन में बिल्कुल थोड़ा सा घी डालेंगे, आधा चम्मच, और काजू को 2 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। काजू बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। काजू भी एक पैन में निकाल लेंगे, गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम गर्म पैन में ही सिर्फ 2 सेकंड के लिए जो हमने ये मेलन के बीज लिए हैं इनको रोस्ट कर लेंगे। मेलन के बीज भी चटकने लग गए हैं, ये भी रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको भी वापस बाउल में निकाल देंगे। अब हम काजू को मिक्सी जार में डाल देंगे और मखाने को भी। अब हम इनका एक दरदरा सा पाउडर तैयार करेंगे। देखिए, हमने मखाने और काजू का दरदरा सा पाउडर तैयार कर लिया है। देखिए, ये हमने फाइन पाउडर नहीं बनाया है, बिल्कुल दरदरा सा है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। मिल्क पाउडर लिया था इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे और जो हमने मेलन के बीज लिए थे ये भी इसी में डाल देंगे। और 1/3 चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स हो गया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर मैंने 3/4 कप चीनी डाल दी है। आधा कप हम इसमें पानी डाल देंगे। अब हम चीनी को मेल्ट करने तक इसके चलाएंगे और हमें इसे एक तार की चाशनी तैयार करनी है। ना तो एक तार से कम ना एक तार से ज्यादा, हमें 2 तार की चाशनी बिल्कुल तैयार नहीं करनी, सिर्फ 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। चीनी मेल्ट हो गई है, अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये 1 तार की नहीं हो जाती। 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको इस तरह से चेक कर लेंगे। ये देखिए, 1 तार अच्छे से बन रहा है। हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो हमारा मिक्सर था वो इसमें मिक्स कर देंगे। जब तक हम मिक्सर को इसमें मिक्स करेंगे तब तक हमें गैस फ्लेम ऑफ रखना है। हमारा कतली का मिक्सर वो तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इस प्लेट को पहले ग्रीस कर लिया था घी से। अब हम घी 1 चम्मच पे घी लगा के इसको पूरा स्मूथ कर लेंगे। और इसको आधे घंटे तक किचन के प्लेटफॉर्म पर सेट होने के लिए रख देंगे। हमारी मखाने की कतली की जो हमने मिक्सर जमाया था वो बिल्कुल सेट हो गया है। अब हम इसको
बर्फी की शेप में काट लेते हैं। मखाने की कतली बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को दिवाली फेस्टिवल पे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।